भगवान प्रसन्न ही नहीं हो रहे। परीक्षित जी रावण ने अपने सरों को काटना प्रारंभ कर दिया। पहला सर काटा यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया ओम नमः शिवाय। दूसरा सर काटा यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया ओम नमः शिवाय। इसी तरह से परीक्षित जी रावण ने 9 शीश यज्ञ कुंड में चढ़ा दिए। जब दसवां शीश काटने के लिए हुआ, रावण ने तलवार पकड़ ली। रावण की किसने? भोली बाबा ने। भोले बाबा बोले, बेटा बस बस बस, क्यों आप रुक जाओ, हम तुम्हारी भक्ति पे प्रसन्न है, आप वरदान मांग लो। रावण कहने लगा, महाराज मुझे एक ही वरदान चाहिए, क्या? कि हम पाऊंगे मरा ही न मारे। रावण कहने लगा है, मेरी बात सुनो, प्रभु हम काहू के मरहि न मारे। हम किसी के मारने से ना मरे। और अधकर मनवो बनर दो असने हमारे, यानी कि मानव और बानरों के हाथ से ना मरे हम। रावण जानता था जब भी मेरी मौत होगी तो बानरों और मानवों के ही हाथ से होगी। तो रावण बड़ो होशियार है। रावण सोच लो, पहले जो वरदान मांग ली, फिर तो हमें कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान बोले, देखो रावण, तुम्हारी मौत बानरों और मानवों के हाथों से लिखी है, क्योंकि ब्रह्मा जी की लिखी कोई मेट नहीं सकता है। बोले, हम भी नहीं मेट सकते।